हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एवी डिफेंस कैरियर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है स्पेशली आपके पीएसएल के कट ऑफ के ऊपर होने वाली है। और फ्रेंड्स, इसमें जो कट ऑफ बताई जाएगी वो फ्रेंड्स आपने जो पोल में अपने मार्क्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स, उसी के आधार पर ये जो है पीएसएल की कट ऑफ एक्सपेक्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सारे फैक्ट सही से समझ आ सकें। तो फ्रेंड्स, आपने जो मार्क्स जो शेयर किए हैं फ्रेंड्स पोल में, उसके बेसिस पर हम लोग जो एनालिसिस किए हैं, और फ्रेंड्स एनालिसिस के बाद हमने एक जो पीएसएल की कट ऑफ तैयार की है फ्रेंड्स, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल एवी डिफेंस कैरियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, और फ्रेंड्स ये जो पीएसएल की कट ऑफ है ये आपके हिसाब से क्या जा सकती है, और फ्रेंड्स ये वीडियो में जो पीएसएल की कट ऑफ बताई गई वो फ्रेंड्स उससे आप कितने परसेंट मतलब कि फ्रेंड्स एग्री करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सबसे पहले मैं आपको आपके जो कमेंट्स हैं फ्रेंड्स, जो आपने कमेंट में अपने मार्क्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स यहां से आप लोग देख सकते हैं रोहित भाई ने, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स वो सभी हमारे स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स नेवी के, जिन्होंने अपने मार्क्स के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के भी मार्क्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स, मैं उनको हार्टली थैंक यू बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा बंदों का डाटा होता है तो उससे और भी ज़्यादा एक्यूरेट पीएसएल की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा तो फ्रेंड्स हम लोग जो कट ऑफ है वो और भी मतलब एक्यूरेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स हैं एयरफोर्स के, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने दोस्तों के भी मार्क्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपने कमेंट किए हैं अपने मार्क्स जो शेयर किए हैं उसको फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दीपक गोधरा भाई, रोहित कुमार यादव, सभी ने फ्रेंड्स सभी ने अपने जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किए हैं। सो थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, सभी को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो वाई ग्रुप में, और फ्रेंड्स यहाँ महेंद्र सिंह भाई हैं, इन देख लीजिए फ्रेंड्स इन्होंने कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फ्रेंड्स इन्होंने 12 अपने फ्रेंड्स के मार्क्स जो है 12 अपने फ्रेंड्स के मार्क्स शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही अपने मार्क्स और अपने फ्रेंड्स के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स पीएसएल की जो कट ऑफ है वो फ्रेंड्स और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अब हम लोग, यहाँ राहुल कुमार भाई हैं, सभी ने फ्रेंड्स सभी ने अपने जो मार्क्स शेयर किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक मैं दिखा देता हूं आपको, यहां देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसी जो आपने ये जो मार्क्स शेयर किए हैं इसी के बेसिस पर हम लोग अपने जो एनालिसिस है उसको फ्रेंड्स बताते हैं, और एनालिसिस के आधार पर हम लोग पीएसएल की कट ऑफ बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब एनालिसिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आ चुके हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, जो कि आपके द्वारा शेयर किए गए मार्क्स के बेसिस पर तैयार की गई है। तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग देखेंगे कि आपकी पीएसएल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रेंड कितनी जा सकती है। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस कट ऑफ से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग अपने देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे जो एनालिसिस है वो क्या करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो है एयरफोर्स का एक्सेप्टेड जो है फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड जो है फ्रेंड्स पीएसएल है 2020 02 इंटेक 2020 का। तो फ्रेंड्स
मैंने आपके जो मार्क्स आपने शेयर किए हैं और ये फ्रेंड्स जो है एक्स ग्रुप का भी हम बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है मार्क्स रेंज को और उसमें कितने परसेंट बंदे हैं उसको दो भागों में बांट दिया है। और फ्रेंड्स मार्क्स रेंज में कितने बंदे हैं उन उनसे हमको ये होगा कि हमको कितने बंदे लेने हैं और कितने पीसल आउट करने हैं ये देखने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स ये परसेंटेज मैं आपको बता दूं किस बेसिस पर तैयार किया गया है। फ्रेंड्स ये परसेंटेज है जो आपके मेडिकल कितने लोग दिए थे उसके बेसिस पर तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग पहली लाइन देखिए, आपके जो 28 से 30 मार्क्स में हैं फ्रेंड्स 11% बंदे हैं। और फ्रेंड्स मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि अप्रोक्स 6,800 जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे एयरफोर्स के उन्होंने फेज़ थ्री के लिए मतलब कि फेज़ थ्री दिया है। तो फ्रेंड्स हम लोग उसमें से 6,800 में से 4,100 बंदे जो हमारे होंगे वो एक्स ग्रुप में होंगे और शेष फ्रेंड्स वाई ग्रुप में होंगे। तो फ्रेंड्स ये 4,100 में परसेंटेज आपकी बताई गई है कि 4,100 में इतने परसेंट इस मार्क्स के रेंज के बीच में है और उसके बाद इतने मार्क्स के रेंज में हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देखिए 30.25 से 32.5 के बीच में फ्रेंड्स 12% बंदे हैं। और उसके नीचे अगर हम लोग फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 32.75 से 36 के बीच में अप्रोक्स 40% बंदे हैं। और फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं अपने से नहीं बता रहा, ये जो मार्क्स आपने शेयर किए हैं और फ्रेंड्स और भी मार्क्स जो मैंने देखे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि अप्रोक्स 40% बंदे इसी मार्क्स के रेंज में हैं। और फ्रेंड्स ये आप लोग भी देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब के कोई भी पीएसएल की वीडियो हो उसके नीचे आप लोग मार्क्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 40% बंदे जो हैं इस मार्क्स के रेंज में हैं। और फ्रेंड्स उससे जो ज़्यादा मार्क्स गए हैं उनसे फ्रेंड्स हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग पीएसएल ऊपर से ही निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं, फिर से ऊपर आते हैं और अपने पीएसएल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि फ्रेंड्स अप्रोक्स 4,100 जो आपके बंदे हैं 4,100 से 4,200 ये आपके एक्स ग्रुप में फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अब 4,100 का हम लोग यदि अब निकालते हैं हम लोग 11% तो फ्रेंड्स कितना आएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस मार्क्स के रेंज में अप्रोक्स 450 बंदे आएंगे और फ्रेंड्स इस मार्क्स के रेंज में जो है फ्रेंड्स वो आपके अप्रोक्स 500 बंदे आएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी पीएसएल 3,900 की बनती है तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी पीएसएल कितनी जाएगी। फ्रेंड्स आप उन बकवास की वीडियोस को न देखिए जो बता रहे हैं कि पीएसएल 36 जाएगी, पीएसएल 40 जाएगी, अब क्या पीएसएल 70 जाएगी। तो फ्रेंड्स उन बकवास की वीडियोस को आप न देखिए जिससे कि आपके माइंड में फ्रेंड्स वो बातें घर कर जाती हैं कि नहीं पीएसएल तो इतनी जाएगी और हमारा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ फ्रेंड्स यहाँ फैक्ट देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, आपने एग्जाम क्लियर किया है तो फ्रेंड्स आप ये भी समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको बता दूं कि आपके 2,500 के आसपास फ्रेंड्स वैकेंसी जो होती है होती हैं। और फ्रेंड्स आपको निकालने कितने हैं तो फ्रेंड्स उसमें अभी मेडिकल अनफिट भी होंगे और फ्रेंड्स जो बंदे निकाले जाएंगे वो अप्रोक्स फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि कितने होंगे 400 से 500 के आसपास बंदे निकाले जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से हमने आपको डाटा भी बता दिया है कि फ्रेंड्स एक बार फिर से लिख देते हैं हम, यहाँ 450 बंदे होंगे और फ्रेंड्स यहाँ 500 बंदे होंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस रेंज के जो बंदे हैं फ्रेंड्स वो अपने आप को मैं बता दूं फ्रेंड्स अपना हम पीएसएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको पीएसएल की कट ऑफ और इनरोलमेंट दोनों की कट ऑफ अपनी एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपके मार्क्स के बेसिस पर बनी है। और फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेशन है, मैं फिर आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा या कम, थोड़ा या ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ मैंने आपके मार्क्स के बेसिस पर बनाई है, ये जो है फ्रेंड्स, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है, लेकिन फ्रेंड्स, एक इसके मार्क्स के अप्रोक्स ही रहने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ के मार्क्स से कम हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो भी फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना है, आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके 28 मार्क्स भी हैं, फिर भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके भी चांस बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके चांस नहीं बनते तो एयरफोर्स आपको क्वालिफाई ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पीएसएल बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपकी जो पीएसएल है वो फ्रेंड्स, मैं फिर से बता देता हूँ, वो 30.5 से लेकर और फ्रेंड्स 31 के बीच में जा सकती है। और फ्रेंड्स, आपकी जो इनरोलमेंट की कट ऑफ होगी वो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि 31 प्लस होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये जो पीएसएल और एनरोलमेंट की कटअप बताई गई है वो आपके ही मार्क्स के बेसिस पर एनालिसिस करके तैयार की गई है। फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड कटअप है और फ्रेंड्स, इससे कटअप ज़्यादा या कम हो सकती है। और फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ये वीडियो लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में सारे फैक्ट्स के ऊपर बात किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग वाई ग्रुप के जो पीएसएल और इनरोलमेंट की वीडियो है उसको फ्रेंड्स शाम को अपलोड कर देंगे, जिससे कि जो हमारे वाई ग्रुप वाले एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियो अलग से अपनी देख सकें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप कटअप से एग्री करते हैं तो फ्रेंड्स एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।